पेपर फाउंडेशन इंदौर में अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ करने जा रहा है। मध्य प्रदेश में वो अपनी शाखाओं को शुरू करेगा, अपने कार्यक्षेत्र को विस्तारित करेगा। युवा विप्र जगत का जो युवा है वो भी इस फाउंडेशन की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमारे साथ सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के युवा ब्राह्मण कार्यकर्ता, हम कह सकते हैं समाज सेवी कह सकते हैं, अध्यक्ष हैं युवा ब्राह्मण समाज के, आनंद पुरोहित जी। उनसे हम जानेंगे कि विप्र फाउंडेशन जो है वो किस तरह से कार्य करेगा और युवा किस दृष्टिकोण से उस विप्र फाउंडेशन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएन न्यूज पर। विप्र फाउंडेशन अब मध्य प्रदेश भी उसकी लिस्ट में आ गया है, किस रूप में देखता है सर्व ब्राह्मण युवा परिषद? सर्वप्रथम तो मैं इंदौर शहर को, माहिल्या की नगरी को और हम सब ब्राह्मण बंधुओं को गौरवान्वित समझता हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि विप्र फाउंडेशन जैसा एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों का संगठन जो ब्राह्मण समाज के बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए विगत कई वर्षों से कार्य करता आ रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करता है। मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि विप्र फाउंडेशन के आदरणीय ओझा जी ने और बाकी सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने माहिल्या की नगरी इंदौर को अपनी वार्षिक बैठक के लिए चुना। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ। दूसरा, जिस हिसाब से अभी विप्र फाउंडेशन का परिचय हुआ, आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नक्षत्र ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में थी, जिसमें 100 से ज़्यादा देश के विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन सबकी कार्य करने की इच्छा शक्ति और भविष्य में कार्य करने की योजनाओं को जान के मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कोई ऐसी संस्था भी है जो इतने बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। दूसरी बात, एक आज सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त पदाधिकारीगण आदरणीय धर्मराज नारायण जी जोशी, जो कि विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, परम श्रद्धेय श्री राधेश्याम जी शर्मा गुरु जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित हुए हैं, उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर के पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से, 40 से ज़्यादा ब्राह्मण संगठनों की तरफ से पूरे विप्र फाउंडेशन को साधुवाद देता हूं। और एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात, ब्राह्मण विद्वान तो होता है और अगर उसके बाद में वो ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा अग्रणी हो, विप्र फाउंडेशन में मैंने जो पाया है उसमें IAS अधिकारी, रिटायर्ड न्यायाधीश, उच्च वर्गीय राजनेता, उद्योगपति, सभी प्रकार के लोगों का समावेश है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विद्वान लोगों का संगठन है। आज इन विद्वान लोगों के संगठनों के द्वारा इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करा गया। वो प्रस्ताव का मूल विषय ये था कि आज हिंदू को विभाजित करने का जाति के नाम पर जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को ये घृणा का, निंदा का काम है। विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज उन ऐसी सभी चीज़ों का विरोध करता है जो जाति के नाम पे लोगों को विभाजित करते हैं। सामाजिक समरसता इस देश में है वो बनी रहे, ऐसा ब्राह्मणों का प्रयास होना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जो समाज को दिशा देता है, समाज का नेतृत्व करता है। अगर ब्राह्मण ही समाज को खंड खंड करने में अपना ध्यान लगाएगा तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपने मूल हित से, मूल कार्य से बिछड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने हमसे बात की। जैसा कि आनंद पुरोहित जी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है कि ब्रह्म एकता जो है, विप्र एकता जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे, और जिस तरह की बात आजकल हो रही है जात पात के नाम पर जो लड़ाई हो रही है और जो हिंदुत्व को या हिंदू को अलग करने की कोशिश की जा रही है उसका भी विरोध विप्र फाउंडेशन करेगा। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विप्र वर्ग के युवाओं के लिए विप्र फाउंडेशन एक अच्छा प्रयास करेगा, यही अपेक्षा की जा सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप मालवीय के साथ आशीष जोशी, INN न्यूज़ इंदौर।